एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कर पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ करेंगे। 8u² + 8u = 0। यहाँ पे इसमें ए बी सी की कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर निकालना चाहो तो देख लो, ए की वैल्यू 8 आ रही है, सिंगल पावर का मतलब एक्स का गुणनखंड है, वो गुणांक है वो क्या रहा है 8, कॉन्स्टेंट टर्म कितना आ रहा है 0। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेरे को दिख रहा है 8u, इसमें भी है और इसमें भी, 8 कॉमन निकल गया, एक यू बच गया, एक वन बच गया। एक तो 8u = 0 हो गया, एक u + 1 = क्या हो गया 0। जैसे u = 0 तो यहाँ से तो 0 निकल के आ गया अल्फा ए अपना, और बीटा आ गया ये दूसरा u जो कि है -1। अब हम देखेंगे इसमें रिलेशन। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होना चाहिए, शून्यांकों का योग। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -1 = -b - 8 a 8, -1 = -1 हो गया वेरीफाई। अब इसका दूसरा देखते हैं गुणनखंड, α×β = constant/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -1, कॉन्स्टेंट कितना है 0, a क्या है 8, 0 = 0। तो ये दोनों भी क्या हो गए यहाँ पे वेरीफाई। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फिफ्थ, 2.2 का एक्सरसाइज का पहले का फिफ्थ चल रहा है अपना। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है t²-k₁५ = 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax²+bx+c = 0 से। a = 1, x मतलब t की सिंगल पावर का टर्म नहीं है तो 0, कॉन्स्टेंट कितना हो गया -k₁५। इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं t²-15 = 0। तो इसको लिख सकते हैं t²-15, t±√15। अल्फा हो जाएगा +15 और बीटा हो जाएगा -√15। अब इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं अपन। α+β = -b/a, √15 + −√15 = 0/a 1, +- क्या हो जाएगा 0 = 0। शून्यांकों का योगफल प्रूव हो गया है। अब गुणनफल प्रूव करेंगे α×β = constant/a, 8√15 = constant कितना है -k₁५/1, रूट हट जाएगा -k₁५ = -k₁५। ये हो गया इसका गुणनखंड प्रूफ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इक्वेशन दे रखी है हमें 3x²-kx-k₄=0। कंपेयर करने पर ए का मान 3 आ गया, बी का मान -1 आ गया और सी का मान कितना आ गया -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, एक्स का गुणांक -1, कॉन्स्टेंट -4। सोल्व करने के लिए अगर देखिए हम तो ac = बन रहा है 4 × 3 = 12। सीधा दिख रहा है मेरे को 4 × 3, 4 × 3 = 12, तो 4 3 4 3 घटाओगे तो 1 बच जाएगा ना, तो 3x² माइनस सेम रहेगा, 1 की जगह लिखेंगे 4 − 3x − k₄=0। आगे सोल्व करेंगे 3x²-k₄x - ± +3x − k₄=, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन निकलेगा तो 3x − k₄ + 1 कॉमन निकलेगा 3x − 4 = 0। एक ब्रेकेट 3x − 4 का, एक ब्रेकेट x + 1 = 0। या तो 3x − 4 = 0, यहाँ से α आ जाएगा x = 4 पॉजिटिव का 3 डिवाइड में, या फिर x + 1 = 0, x - 1 = आ जाएगा बीटा की। प्रूव करते हैं अपन α+β = -b/a करके देखते हैं। α 4/3 + β - 1 = -b - 1/a 3।
जैसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे 3 1 जा 3, 4 3 1 1 हो गया सोल्व। नेक्स्ट अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो कॉन्स्टेंट अपॉन ए, तो 4/3 इंटू में -1, कॉन्स्टेंट है -4 अपॉन में 3, तो सेम आ रहा है -4/3 इक्वल्स टू -4/3। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लेलिस्ट आई टैब में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।